अरे निधि साहब, आज की डेट में ऐसी थोड़ी है जो खेसारी की पहचान से इनकी पहचान बनी है। ये खुद इतनी पावरफुल है और इन्होंने अपनी पहचान खुद से बनाई है, तो ईश्वर जिस दिन चाह देगा कि निधि के सामने हमें झुकना है तो जैसे ईश्वर ने चाह दिया है, मई में दोनों साथ में काम कर रहे हैं। हाँ, तो ईश्वर जिस दिन चाहेगा कि हाँ अपने बीबी के कदमों में झुक जाओ तो झुक जाओ, क्योंकि जब ही बनेगी तो मेरी बीबी ही बनेगी ना। तो इसलिए दिल से थैंक यू, और इनके करियर के लिए मैं दिल से दुआ भगवान से दुआ करता हूँ। बारे में क्या कहना है, जो वाइफ बोले है वो जवाब देना है। अभी इन लोगों को तो मिल गया, इन लोगों को मिल गया। अभी पूरे पब्लिक के सामने हजारों के करोड़ों के भीड़ में निधि झा ने खेसारी को लव ही बोल दिया। लव यू नहीं बोला, वाइफ बोला बनाना है मूवी के। आई लव ही, अरे उन्होंने टाइटल का नाम लिया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया उनको। सॉरी सॉरी, आई लव ही फिल्म का नाम है हमारा जो हम करने वाले हैं। उमेश भैया, दो शब्द आप जुनून के बारे में। हाँ भैया, उमेश भैया क्या कहना चाहते जुनून के बारे में? मैं सबसे पहले अपने जनता जनार्दन को नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा, हर हर महादेव कहूंगा। हमारे डायरेक्टर चंदन जी, ये तीसरी फिल्म है जुनून जो बना रहे हैं, और हमारी ढेर सारी शुभकामना है। ये फिल्म बहुत अच्छी बनाए, गुंदा की बनाए, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, और ये देखा जाए तो छोटा माचिस बड़ा धमाका, कम उम्र में बहुत बड़ी फिल्में कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। किस तरह रोल रहेगा, किस तरह कहानी रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सब जानते हैं कि मैं कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर डिफरेंट करना पसंद करती हूँ, तो सेम वे में जुनून जो है, जहाँ पे निधि झा आपको एक नए अवतार में चैलेंजिंग कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यस, ये कैरेक्टर भी जो मैं प्ले करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, आपको सबको मज़ा आएगा। लेकिन हमेशा आपके साथ नए चेहरे रहते हैं, तो उसके सामने पेश करना। देखिए, मैं बिलीव करती हूँ कि सब में टैलेंट होता है, सबको मौका देना चाहिए। हमारे नए लॉन्च हो रहे हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए, एंड मैं तो चाहूँगी कि जितने लोग आए उन सबको मौका मिले, सब अपना टैलेंट दिखा सके। यू नेवर नो कि छोटे छोटे चीज़ों में आपको बड़ा बॉम्ब मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, माइक कहाँ है? दादा माइक और बंद कर, नहीं माइक। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आने वाली पीढ़ी के बारे में, जो हमारे आजकल लड़के आ रहे हैं वो एक्टिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जिम पे ध्यान दे रहे हैं। तो बॉडी बनाने से अगर इंसान एक्टर बन जाता तो शायद ये पूरी दुनिया में बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं, सब लोग हीरो बन जाते। मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि भाई लोग, आप लोग आ रहे हो और ऊर्जा के साथ आओ। बॉडी बनाने से सिनेमा नहीं चलती है। खेसारी की पहचान बनने के बाद खेसारी ने अपने वर्कआउट पे ध्यान दिया और बॉडी बनाया। पवन जी की सिनेमा चलने के बाद ऐसी हुई। तो आप लोग अपने एक्टिंग और डांस पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि हमारा भोजपुरी सिनेमा और आगे जाए और अच्छे एक्टर आए। मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए। तो आप लोग सिर्फ अपने एक्टिंग पे ध्यान दें, जिम पे ध्यान देने से सिनेमा नहीं चलेगा, नहीं तो पूरी दुनिया जिम करके और हीरो बन जाती। तो प्लीज़ आप लोग अपने एक्टिंग पे ध्यान दें, ताकि हमारे सिनेमा का उठान और हो, और भोजपुरी में तीन हीरो नहीं, कम से कम 50 हीरो हों, ताकि हर आदमी बिजी रहे और हर आदमी को रोजी रोटी मिलता रहे। बहुत बहुत बहुत।